Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of basic electrical engineering. As you know, in the last video, lecture number 60, हमने थ्री फेज एसी सर्किट स्टार्ट किया था एंड लास्ट वीडियो में अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी. फिर से अगर एक बार रिपीट करें इन शॉर्ट, तो हमने उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू थ्री फेज एसी सर्किट देखा था. हाउ थ्री फेज एसी सर्किट इज जनरेटेड, पॉली फेज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था वो था कि थ्री फेस एसी सर्किट का, थ्री फेस एसी सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू सिंगल फेस एसी सिस्टम, राइट. देन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, क्या दोनों में अंतर होता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा कुछ और स्मॉल टॉपिक से जो थ्री फेस एसी सर्किट के इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्री फेज का, दैट इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस, ठीक है. फेज सीक्वेंस क्या होता है, हमें ये डिस्कस यहाँ पे करना है. तो फेज सीक्वेंस के लिए हम सबसे पहले एक थ्री फेज का वेवफॉर्म बनाएंगे, जो हमने कल बना के देखा था, बिल्कुल उसी तरह से एक वेवफॉर्म यहाँ प्लॉट करेंगे थ्री फेज का. उसको हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल प्लॉट करते हुए हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे. एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हमें यहाँ बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल्स चाहिए, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स. ये इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है. इसके बाद हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है ये दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह से, और इसको ये ऐसे जाएगा. देन further for this we will join these two triangles, it will go like this and this will be joined here. ऊपर के जो दो triangle हैं वो हम यहाँ पे join करेंगे, it will go like this and this will be connected here, ठीक है. तो ये हमारी तीनों phase की waveform बन गई है. अगर हम इसको और थोड़ा सा extend करें आगे के लिए, तो ये जो वेवफॉर्म है ये इस तरह से आगे जाएगी, दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस शुड क्रॉस समवेयर हियर, ठीक है. तो इस तरह से हमने वेवफॉर्म बनाया था. और साथ ही साथ अगर कॉइल के रिस्पेक्ट में देखें तो हमने कहा था दिस इज फॉर कॉइल नंबर वन, दिस इज फॉर कॉइल नंबर टू एंड दिस इज फॉर कॉइल नंबर थ्री. ये जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जो रेफरेंस पे हमने कॉइल वन लिया था, ये वो है. उसके बाद सेकेंड कॉइल का वेवफॉर्म है जो 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है. ये जो एंगल है स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों वेवफॉर्म के बीच में, दिस इज 120 डिग्री. ऑल्सो फॉर द थर्ड वेवफॉर्म, सेकेंड से 120 डिग्री से ये भी लैग करेगा, ठीक है. तो इस तरह से हमने वेवफॉर्म बनाई थी. और साथ ही साथ इनका अगर हम लिखें वी ए या फिर वी वन लिखें वन के टर्म्स में, तो दिस शुड बी वी एम साइन ओमेगा टी, दिस शुड बी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री. And the third waveform should be Vm sine omega t minus 240 degree. Or we can also write it as Vm sine omega t plus 120 degree. ठीक है. तो ये तीन functions हमारे पास है three phase waveforms के लिए. अब अगर phase sequence को हम define करें तो एक simple सा एक definition होता है phase sequence का. Phase sequence basically define करते हैं maximum values के respect में. जो maximum values हमारे पास waveforms का है उनके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं कि जिस ऑर्डर में वेवफॉर्म्स, द ऑर्डर इन विच मैक्सिमम वैल्यू इज अटेंड, ठीक है. एक ऐसा ऑर्डर हमें देखना है जिस ऑर्डर में वेवफॉर्म्स के मैक्सिमम वैल्यूज हमारे अटेन हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वेवफॉर्म में अगर आप कंसिडर करें तो स्टार्ट अगर आप यहां से कर रहे हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू हमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कहां मिली है, यहां पर. उसके बाद दूसरा मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां मिला है, ये है. तीसरा मैक्सिमम वैल्यू कहां मिला है, ये है. तो फॉर दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म हम कहेंगे कि इस वेवफॉर्म का जो फेज सिक्वेंस है वो कितना है, फेज सिक्वेंस इज इक्वल्स टू 1 2 3, क्योंकि हमने वेवफॉर्म्स को 1 2 3 के रेस्पेक्ट में लिखा है. दैट इज वाई We will say कि यहाँ पर जो फेज सीक्वेंस है वो है 1 2 3, करेक्ट. तो जो डेफिनेशन बनी फेज सीक्वेंस की वो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बनी है कि जिस ऑर्डर में हमारी वेवफॉर्म्स, साइनसोइडल वेवफॉर्म्स मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेंगी वो ऑर्डर क्या कहलाएगा, फेज सीक्वेंस कहलाएगा.
राइट। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, क्योंकि हम कॉइल बनाना चाहते हैं तो कॉइल के लिए हम एक सर्कल लेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है, करेक्ट। इस सर्कल में हम कॉइल बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास मैग्नेट्स हैं यहाँ पे, दीज आर द मैग्नेट्स लाइक दिस हम बनाएंगे। ये मैग्नेट है राइट। इस मैग्नेट में ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, और जो रोटेशन है इसका ये है एंटी क्लॉकवाइज। जो बाहर का जो पोर्शन है वो स्टेशनरी है, और जो उसके अंदर इस रोटेटिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको रोटर बोलते हैं बेसिकली, एंड दिस इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद ओमेगा फ्रीक्वेंसी राइट। इसके ऊपर एक कॉयल है जिससे हमें सप्लाई मिलेगी, ये कॉयल हो गई राइट। और यहां से इसके टर्मिनल को बाहर निकाल लिया गया है, दिस इज वन टर्मिनल, दिस इज द सेकेंड टर्मिनल राइट। उसके अलावा हमारे पास तीन कॉइल्स हैं, एक फर्स्ट कॉइल इज दिस, सेकेंड कॉइल शुड बी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड द थर्ड कॉइल शुड बी अनदर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक दिस ठीक है। तो दिस इज कॉइल नंबर ए, दिस इज कॉइल नंबर बी, दिस इज कॉइल नंबर सी राइट। तो ये हमारी तीनों की तीनों कॉइल्स हो गई, और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से, जो ये मशीन का अरेंजमेंट हमने बनाया है, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से अगर आप किसी मशीन को रोटेट करते हो तो जो आपके पास प्रोडक्शन होता है, जो ईएमएफ जनरेशन होता है, वो बिल्कुल इसी वेवफॉर्म की तरह से होता है, जिसमें फेज नंबर वन दैट कैन बी कॉल्ड ए हियर सबसे पहले स्टार्ट होगा जनरेट होना। उसके बाद हम कॉइल नंबर टू से जो सेकेंड फेज का जो ईएमएफ है वो जनरेट करेंगे, जो बी से हमने यहाँ पर डिनोट किया है, और फेज नंबर थ्री जो कि थर्ड फेज हमने ऊपर ड्रॉ किया है, यहाँ पर सी से हमने उसको कॉल किया है राइट। तो इन दिस केस अगर आपका मशीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, यहाँ पर आप देखते हैं जो आपने ईएमएफ जनरेट किए हैं उनका अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो ये रेफरेंस एक्सिस पे आपके पास ईए होगा, यानी कि ईएमएफ फ्रॉम द फेज वन, उसके बाद 120 डिग्री से लैग करते हुए आपका होगा फेज टू का, और देन अनदर 120 डिग्री पे आपका होगा फेज थ्री का ठीक है। आप देखेंगे कि तीनों के तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट हैं, और साथ ही साथ तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेक्ट। नाउ अगर आप देखेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसके हिसाब से आप देखते हैं सबसे पहले ई ए, अगर इस पॉइंट को रेफरेंस मान लें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ई ए है, इफ दिस इज द रेफरेंस देन रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट यू विल गेट दिस ई ए, आफ्टर 120 डिग्री आपको मिलेगा ई बी, और उसके बाद अनदर 120 डिग्री आपको मिलेगा ई सी, यानी कि सबसे पहले ए फेज मिल रहा है, फिर बी फेज मिल रहा है, फिर सी फेज मिल रहा है, अल्टीमेटली आपका जो फेज सिक्वेंस हो गया इसका वो हो गया ए बी सी राइट। अब मान लीजिए कि आपका मशीन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की जगह क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको मशीन का जो अंदर का पार्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट है, उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराना है, क्योंकि किसी एक रोटेटिंग मशीन का जो मूवमेंट है डायरेक्शन का वो दो ही हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में तो हमने देख लिया कि जो जनरेशन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ, बट अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आप देखेंगे कि अगर सेम फेजर को आप क्लॉकवाइज रोटेट करें, इन दिस डायरेक्शन अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले रेफरेंस पे ए है ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास ए है, उसके बाद 120 डिग्री के बाद सी मिलेगा, एंड देन अनदर 120 डिग्री के बाद बी मिलेगा। ये देखिए, व्हेन यू आर रोटेटिंग दिस मशीन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू आर गेटिंग द फेज सीक्वेंस एज ए बी सी, बट व्हेन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस मशीन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपका मशीन रोटेट हो रहा है तो आपको जो फेज सीक्वेंस मिल रहा है वो ए सी बी मिल रहा है। तो आपके पास दो फेज सीक्वेंस हो गए यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप चलते हैं मशीन का रोटेशन के हिसाब से तो आपको मिलता है ए बी सी, और अगर आप क्लॉकवाइज मशीन को रोटेट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग ए सी बी। तो ओनली टू टाइप ऑफ फेज सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, बिकॉज मशीन का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो दो डायरेक्शन में ही चेंज हो सकता है, उसके अलावा और कोई तीसरा डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होता है करेक्ट। ये इतना क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से राइट। तो जो दो फेज सीक्वेंस यहाँ पर पॉसिबल है जिनके हमने नाम बताए ए बी सी या ए सी बी, इसको आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर आपके पास किसी मशीन का फेज सीक्वेंस ए बी सी है, उसमें आप क्या करो, किसी
दो फेजेस को आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि जो कनेक्शन ऑफ मशीन है वो आपका ये है एक फेस, ये है दूसरा फेस, ये है तीसरा फेस। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये सप्लाई साइड है, थ्री फेस का सप्लाई साइड है। यहाँ पर जो तीन कनेक्शन है वो मशीन के हैं, कोई थ्री फेस मशीन है, दिस इज योर मशीन ए बी सी। अगर आप ए को ए से, बी को बी से या सी को सी से कनेक्ट करते हो तो आपका जो मशीन का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज बना रहता है। लेकिन अगर आप ए को ए से, अगर आप कनेक्ट करते हो ए को ए से, आपने क्या किया, ए को ए से कनेक्ट किया, बी को अगर आप सी से कनेक्ट करते हो और सी को आप अगर बी से कनेक्ट कर देते हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपका फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है, किसका, मशीन का। अगर आप मशीन के किसी थ्री फेस मशीन को आप चलाना चाह रहे हैं और उसको चलाने के लिए आपको थ्री फेस सप्लाई की जरूरत है, तो आप अगर किसी दो फेस के बीच में, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि दो फेस सीक्वेंस पॉसिबल है जिसमें ए फेस हमने सेम रखा है, बी और सी को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया है, तो इस तरह से अगर दो एक मशीन को थ्री फेस सप्लाई हमें देनी है, तो अगर उसके बी और सी फेस के जो टर्मिनल्स हैं उनको उल्टा करके हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें, तो उससे मशीन का फेस सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब आप मशीन पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि थ्री फेस मशीन में अगर इस तरह से कनेक्शन उल्टे कर दिए जाते हैं, फेस सीक्वेंस पलट दिया जाता है, तो मशीन का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो भी बदल दिया जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारी लैबोरेटरीज में कराया जाता है, मशीन की लैबोरेटरीज में, अगर आपने कभी देखा हो तो वहां भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द फेज सीक्वेंस। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फेज सीक्वेंस की बात होगी, तो जो बाई डिफॉल्ट फेज सीक्वेंस है वो फेज सीक्वेंस बाई डिफॉल्ट आपका है, वेदर यू कॉल इट ए बी सी और यू कॉल इट 1 2 3 और यू कॉल इट आर वाई बी। आर स्टैंड्स फॉर रेड, वाई स्टैंड्स फॉर येलो एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं थ्री फेज के। फर्स्ट फेज दैट इज डिनोटेड बाय रेड आर, सेकंड फेज फॉर येलो वाई, बी फेज फॉर ब्लू। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा फेज सीक्वेंस होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिकली हमें फेज सीक्वेंस ना दिया गया हो कि ये पर्टिकुलर फेज सीक्वेंस है, तो कहीं भी अगर फेज सीक्वेंस की बात होगी तो यू हैव टू टेक इट एज ए बी सी और 1 2 3 और आर वाई बी, जिस टर्म में भी आपको देना है उस टर्म में आप ले लीजिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसी ऑर्डर में हमें कंसिडर हमेशा करना होगा। राइट, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वो है डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन। डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन, डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम थ्री फेज क्वांटिटीज को लिखते हैं, जैसे वोल्टेज को हम लिखेंगे, करंट को हम लिखेंगे, तो उन लेटर्स के साथ, जैसे वोल्टेज को आपको पता है वी लिखते हैं, करंट को हम आई लिखते हैं, कैपिटल में वी और आई लिखा जाता है फॉर आरएमएस वैल्यूज। राइट, तो उनके नीचे साइड में हम सबस्क्रिप्ट में दो लेटर्स को और लिखते हैं, वो दो लेटर्स हमें बताते हैं कि ये थ्री फेज में कौन सा वोल्टेज है या कौन सा करंट है। राइट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास तीन फेजेस हैं, हमने देखा आर है, वाई है और बी है, ये तीन फेजेस हैं। राइट, इसमें अगर आप कहीं पर लिखते हैं कैपिटल वी आर वाई, ठीक है, अगर आप लिखते हैं कैपिटल वी आर वाई, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज हैज टू बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वोल्टेज कभी भी सिंगल पॉइंट पे मेजर नहीं होता, इट हैज टू बी इन बिटवीन टू पॉइंट्स, हमेशा दो पॉइंट्स किसी भी वोल्टेज के लिए होने चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं V कैपिटल लिखा हमने, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट में आर वाई लिखा, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि दिस इज द वोल्टेज इन बिटवीन आर फेस एंड वाई फेस, वेयर वी आर वाई इज इक्वल्स टू वी वाई आर। ठीक है, यानी कि जस्ट अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, अगर रिवर्स किया जाए, 180 डिग्री से फेस शिफ्ट किया जाए, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ वी वाई आर। इन दिस फर्स्ट केस R phase was taken as positive, Y phase was taken as negative. In the second phase, Y phase is taken as positive and R phase is taken as negative. ठीक है, इसका जस्ट हमने उल्टा कर दिया है, और उल्टा करने के साथ साथ इसका जो साइन है वो भी हमने रिवर्स कर दिया, ताकि दोनों के अंदर, दोनों के बीच में जो इक्वालिटी है वो बनी रहे। राइट, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ जो डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन है, उसको अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से हम उसको लिखते हैं। सिमिलरली करंट के रेस्पेक्ट में भी हम लिख सकते हैं कि जो करंट है, मान लीजिए कि करंट के बारे में हम लिख रहे हैं कैपिटल आई आर वाई, ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसा करंट है जो आर वाई के फेस के बीच में है। ठीक है, इसका भी सेम यही मीनिंग होगा। तो बेसिकली दिस डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
हेयर जब आप देखते हैं तीन फेजेस को वी आर वी वाई और वी बी, हमने अभी तक बात की थी जो थ्री फेज वोल्टेजेस को हम लिख रहे थे वी आर वी वाई एंड वी बी, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम यहाँ पर लिख रहे थे जो तीन फंक्शन हमने लिखे हैं। बेसिकली अगर इस तरह से कोई भी वोल्टेज लिखा हुआ आपको दिखाई देता है तो इसका मीनिंग ये है कि ये वी आर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी आर एन, दिस वी वाई इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी वाई एन एंड दिस वी बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी बी एन, वेयर एन इज द न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि ये एक ऐसा वोल्टेज है जो आर फेस और न्यूट्रल फेस के बीच में है। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन वायर हैं, 1 2 3, आर फेस वाई फेस बी फेस एंड हियर यू हैव न्यूट्रल। तो आपने क्या किया, आपने आर फेस और न्यूट्रल के बीच में कोई कनेक्शन लगाया है जिसको आप कह रहे हैं वी आर एन। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग कनेक्शन इन बिटवीन वी वाई एंड न्यूट्रल तो यू विल कॉल इट एज वी वाई एन, और अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन लेते हैं तो इट विल बी कॉल्ड वी बी एन, जिनके जिनके फंक्शन हमने यहाँ पर लिखे थे वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, राइट। तो ये वी आर वी बाई वी आर वी बाई वी बी, इन तीनों का बेसिकली मीनिंग होता है वी आर एन वी वाई एन एंड वी बी एन, दीज आर कॉल्ड द फेज वोल्टेजेस, इनको हम फेज वोल्टेज भी बोलते हैं। अभी आगे हम डिफाइन करेंगे वॉट आर दीज फेज वोल्टेज। There are two types of voltages available in three phase. One is called phase voltage, another is one is called line voltage. ठीक है? Phase voltage को जब आप phasor diagram पे represent करते हैं तो आपको जो phasor मिलता है वो इस तरह का मिलता है जिसमें तीनों के तीनों voltages एक दूसरे से 120 degree पे phase shifted होते हैं। ठीक है? जिसमें ये वाला phase आप कहते हैं VRN है, ये वाला आप कहते हैं VYN है और ये वाला आप कहते हैं VBN है। करेक्ट, इस तरह से आप कहते हैं। तो ये जो तीनों वोल्टेजेस हैं दीज आर कॉल्ड फेज वोल्टेजेस। वाइल अगर आपको लाइन वोल्टेज चाहिए तो जैसा मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था वी आर वाई, जिसमें आर फेस पॉजिटिव है वाई फेस नेगेटिव है। अब देखिए अगर आपको वाई फेस नेगेटिव का चाहिए तो वाई फेस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको वी वाई एन को अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करना होगा। अगर आप इसको अपोजिट में प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, दिस विल बिकम माइनस ऑफ वी वाई एन। तो आर आपका पॉजिटिव हो गया, वाई आपका नेगेटिव हो गया, और जब आप इन दोनों का फेजर सम कर दोगे, व्हेन दीज आर टू एडेड फेजर सम आपने करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा उसी को हमने वी आर वाई बोला है। ठीक है, ये आर और वाई दो फेज के बीच का वोल्टेज हो गया। जैसे कि आपके पास तीन फेजेस हैं, आर है वाई है बी है, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे आप देखिए हम आर और y के बीच में कनेक्शन ले सकते हैं जिसको हम बोलेंगे वी आर वाई, हम r और b के बीच में कनेक्शन ले सकते हैं जिसको हम बोलेंगे वी आर बी, राइट। इसके अलावा हम y और b के बीच में कनेक्शन ले सकते हैं जिसको बोलेंगे वी वाई बी, हम y और r के बीच में ओके आर वाई हो गया, आर बी हो गया, वाई बी हो गया, वाई आर आर वाई और r के बीच में कनेक्शन ले सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे माइनस वी वाई आर, क्योंकि वी वाई आर और वी आर वाई दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ वी आर वाई। इसी तरह से जब आप b और y के बीच में कनेक्शन लोगे तो वी विल कॉल इट एज वी बी वाई, जो कि जस्ट इसका उल्टा होगा वी वाई बी का। Similarly, when you take a connection in between B and R, तो it will be called V B R. तो इस तरह से total मिला के 6 voltages हमें मिलती है, 6 voltages. कौन कौन सी, देखिए ये है R, ये है Y, ये है B. अगर हम यहीं से प्लॉट करें तो पहला आपको मिलेगा आर वाई, मैं सिंपल आर वाई लिख रहा हूं, वी आर वाई होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा आर बी, ठीक है, ये आपको मिलेगा आर बी, देन y b, this will be y b, then y r, ये आपको मिलेगा v y r, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा b r, then b y, फर्दर अगर आप उसको देखोगे तो ये आपको मिलेगा b y, ठीक है। तो आपने देखा r y r b वाई बी वाई आर बी आर बी वाई, ठीक है। अब आप
को लग रहा होगा कि ये इसी ऑर्डर में क्यों लिखा, मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया है, मैंने इस तरह से क्यों किया है। बेसिकली एक याद करने का तरीका था कि हमारे पास तीन फेजेस हैं, एक आर है, एक वाई है और एक बी है। तो आपको आर से शुरू करना है, पहले आप आर से वाई पे चलेंगे तो आर वाई मिल जाएगा, फिर आर से बी पे चलेंगे तो आर बी मिल जाएगा, फिर वाई से बी पे आएंगे तो वाई बी, वाई से आर पे आएंगे तो वाई आर, सिमिलरली बी टू आर एंड बी टू वाई। तो ये जो ऑर्डर है बेसिकली ये एक बहुत अच्छा सीक्वेंस में ऑर्डर बनता है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर इन सबको फेजर डायग्राम पे प्लॉट किया जाए तो ये छह के छह वेवफॉर्म्स एक दूसरे से 60 डिग्री के बीच डिफरेंस पे बनती है। जैसे आर वाई और आर बी के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस होगा, आर बी और वाई बी के बीच में अनादर 60 डिग्री, वाई आर और वाई बी के बीच में 60 डिग्री, वाई आर और बी आर के बीच में 60 डिग्री, बी आर एंड बी वाई के बीच में 60 डिग्री एंड बी वाई और आर वाई के बीच में भी 60 डिग्री। तो देखिए पूरा 360 डिग्री आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो इस फेजर में आप देखेंगे कि हमने वी आर वाई को प्लॉट किया है, जो हमें मिलता है डिफरेंस बिटवीन वी आर एन एंड वी वाई एन, जिसका एक्सप्रेशन यहाँ पर बनता है वी आर वाई इज इक्वल्स टू वी आर एन, क्योंकि आर फेस पॉजिटिव था, माइनस वी वाई एन, वाई फेस नेगेटिव था। तो आपको ये डिफरेंस मिल गया। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों वेवफॉर्म को एलजेब्रिकली सम करोगे, यानी कि आर एन में से वाई एन की वेवफॉर्म को माइनस करोगे तो आपको आर वाई की वेवफॉर्म मिलती है, ठीक है। इसी तरह से आर बी अगर आप निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा वी आर एन माइनस वी बी एन। आपके पास आर एन है, आप वी बी एन को अपोजिट में प्लॉट करिए, माइनस वी बी एन हो जाएगा, इन दोनों का फेजर सम करोगे तो हमें वी आर बी मिलेगा। सिमिलरली वाई बी, वाई आर, बी आर एन, बी वाई। तो इस तरह से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखना है। जो पहले हम लिखते हैं दैट इज ट्रीटेड टू बी पॉजिटिव, जो सेकेंड में आएगा वो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी होगा, करेक्ट। तो ये छह वोल्टेजेस हैं, इनको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, दीज आर कॉल्ड लाइन वोल्टेजेस, ठीक है। ऊपर मैंने जो बताया था वो फेस वोल्टेज बताया था, जिसमें हमने ये जो तीन वोल्टेजेस हैं दीज आर कॉल्ड फेस वोल्टेजेस, जो कि तीन होती हैं थ्री फेस में। सिमिलरली फॉर द लाइन वोल्टेजेस अगर आप देखें तो वी हैव टोटल सिक्स लाइन वोल्टेजेस अवेलेबल, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ऑल आर डिस्प्लेड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री, एक दूसरे से सभी 60 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हैं, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज किसको कहा गया है, जब दो फेजेस के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम लिखें लाइन वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन टू फेजेस, ठीक है, जैसे वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर एक्सेट्रा, ठीक है, जो हमने अभी छह लिखी है। दूसरा अगर फेस वोल्टेज का डेफिनेशन लिखें तो फेस वोल्टेज इज वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन वन फेस एंड न्यूट्रल, ठीक है, लाइक वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेस वोल्टेज, करेक्ट। तो ये लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बीच में हमने डिटेल डिस्कशन किया, ये भी बताया कि किस ऑर्डर में लाइन वोल्टेजेस एक दूसरे से एग्जैक्टली 60 डिग्री के डिफरेंस पर आती है, ये हमने देखा, ठीक है। अभी मैं उसका आपको डायग्राम भी शो करता हूं कि किस तरह से लाइन वोल्टेज शो होती है। ये देखिए मैंने वेवफॉर्म निकाली है। अब अगर आप इस वेवफॉर्म में देखें तो हम एबीसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ए स्टैंड्स फॉर वी ए, हमने जो बात की थी दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी, वी बी स्टैंड्स फॉर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 एंड वी सी इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। ये तीन वेवफॉर्म हमें दिए हैं एबीसी के टर्म में। नेचुरली इसका जो फेस सीक्वेंस है वो एबीसी होगा, फेस सीक्वेंस ए बी सी, ये हम समझ चुके हैं। अब नीचे जो वेवफॉर्म दी है, देखिए ऊपर वाला जो कर्व ग्राफ है ये जो है दिस इज फॉर फेस वोल्टेजेस, ये फेस वोल्टेजेस के लिए है एंड दिस इज फॉर द लाइन वोल्टेजेस। अब आप देखेंगे इसमें ए बी का सिंपल सा मीनिंग है, हम बात कर रहे हैं वी ए बी के बारे में, जो ए और बी के बीच का वोल्टेज है, यानी कि ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था। इसका मतलब हो गया वी ए एन माइनस वी बी एन, सिंपल सा मीनिंग है। अब आप इन दोनों इन सब वेवफॉर्म्स के बीच में फेज डिफरेंस देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए ये एसी वेवफॉर्म यहां से शुरू हो रही है, दिस इज एसी स्टार्टिंग पॉइंट,
यहाँ से बी सी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बी ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सी ए स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से ये सारी वेवफॉर्म एक दूसरे से एग्जैक्टली 60 डिग्री डिफरेंस के बाद स्टार्ट हो रही है। ऑल दीज आर 60 डिग्री डिफरेंस हर एक वेवफॉर्म के बीच में, जो मैं आपको अभी बता रहा था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें जो एसी वेवफॉर्म है उसके जस्ट अपोजिट में सीए वेवफॉर्म है। ये एसी है तो ये सीए है, होना भी चाहिए, क्योंकि एसी और सीए में सिर्फ एक नेगेटिव का अंतर है। जो बीसी के अपोजिट में है वो सीबी होगा, जो बीए के अपोजिट में है वो एबी होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप हर एक लाइन वोल्टेजेस को देख सकते हो। यहां पर अगर आप एसी को लिखोगे तो वी एसी विल बी नोटेड एज वी एम साइन ओमेगा टी, अगर आप रेफरेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप वी बी सी को लिखते हैं तो इट विल बी रिटन एज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब आप ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर में मैंने आपको जो ऊपर लिखा था, अगर मैं ए बी को आर वाई के टर्म में आप समझने की कोशिश करें कि ये ए मतलब आर है, बी मतलब वाई है, सी मतलब बी है, ठीक है। तो ए बी का मतलब हो गया आर वाई, ए सी का मतलब हो गया आर बी, राइट। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो ए बी वेवफॉर्म है वो ए बी वेवफॉर्म पहले से स्टार्ट होके आ रही है, यहाँ कहीं से वो स्टार्ट हो रही है। ये वेवफॉर्म को अगर आप प्लॉट करेंगे तो इट हैज बीन स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम हियर, राइट। इसी तरह से ये जो सी बी वेवफॉर्म है ये यहाँ कहीं से स्टार्ट होके आ रही है, दिस शुड बी लाइक दिस, राइट। तो अगर आप ए बी से शुरू करेंगे, मतलब हमारा अगर ऑर्डर आर वाई से शुरू होता है, तो आप देखिए ए बी में और ए सी के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ए बी में और ए सी में अगेन 60 डिग्री हो गया, ए सी एंड बी सी में अगेन 60 डिग्री है। तो एक ऑर्डर आपका बन रहा है ए बी ए सी, ए बी मीन्स आर वाई, ए सी मीन्स आर आर बी, बी सी मीन्स वाई बी, बी ए मीन्स वाई आर जो मैंने अभी ऊपर बताया था, सी ए मीन्स बी आर एंड सी बी मीन्स बी वाई। ये आपका पूरा छह का जो है, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका पूरा हो जाता है, राइट। तो ये वेवफॉर्म के थ्रू हमने जस्ट देखा है कि किस तरह से फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में डिफरेंस यहाँ पर बनता है। साथ ही साथ फेस वोल्टेज हमारे पास 3 है और लाइन वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्टेजेस होते हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री अपार्ट होता है। दूसरी चीज, एक और चीज आपको ध्यान से देखनी है कि जो ए फेज है वो जीरो से प्लॉट नहीं किया गया है। ये जो फेज है, अगर आप उसकी प्लॉटिंग करें ओरिजिनली, तो वो प्लॉटिंग आपकी यहाँ कहीं से शुरू हुई है, ठीक है। ये एंगल जो है, दिस इज बेसिकली 30 डिग्री एंगल। तो आर फेस के बीच में और आर फेस की लाइन के बीच में, ये जो है आर फेस का लाइन वोल्टेज है और ये आर फेस का फेस वोल्टेज है, दोनों के बीच में 30 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये जो डिफरेंस है, दिस इज 30 डिग्री, जिसमें लाइन वोल्टेज 30 डिग्री से लीड करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर कि लाइन वोल्टेज लीड्स द फेस वोल्टेज बाय 30 डिग्री, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकल कर आता है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज डिफरेंस। तो यहां से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जिसमें लाइन वोल्टेज एक रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर फेज की, जैसे आर फेज की अगर बात करें तो आर फेज की जो लाइन वोल्टेज है उसके और उसके बीच में 30 डिग्री का है। इसी तरह से बी फेज में आप देखेंगे, बी फेज आपका ये है, अगर आप उसको नीचे प्लॉट करेंगे तो इट विल बी समवेयर हियर। तो आप देखेंगे कि ये पूरा 60 डिग्री था और ये जो एंगल है, दिस इज 30 डिग्री एंगल। तो दैट इज वाई अगेन यू विल से कि बी फेज की और बी फेज की लाइन वोल्टेज के बीच में अगेन 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जिसमें यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द लाइन वोल्टेज इज ऑलवेज लीडिंग, लाइन वोल्टेज हमेशा लीड करता है, ठीक है। तो एक लाइन वोल्टेज आपका यहाँ पर 30 डिग्री से लीड कर रहा है और दूसरा लाइन वोल्टेज आपका यहाँ पर 30 डिग्री से लैग कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फेजर के थ्रू आप समझें, अगर आपके पास वी आर एन फेस यहाँ पर है तो वी आर वाई फेस यहाँ होगा और वी आर बी फेस यहाँ होगा। ये 30 डिग्री से ऊपर होगा या 30 डिग्री से नीचे होगा, ये सब बहुत आसानी से आप फेजर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज, इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज।
ठीक है। नाउ थ्री फेस में हमारे पास जो एक थ्री फेस मशीन है जो आपका जो थ्री फेस प्रोड्यूस कर रही है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन वाइंडिंग्स हैं, यू हैव थ्री वाइंडिंग्स और थ्री फेजेस, यू हैव थ्री वाइंडिंग्स और फेजेस, थ्री फेजेस राइट। तो हर एक फेज में दो टर्मिनल होते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने टर्मिनल हो गए, 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 टर्मिनल्स। ठीक है, अगर आप हर एक फेज पे या हर एक वाइंडिंग पे एक सेपरेट लोड को कनेक्ट करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा। लेट अस से हमारे पास फर्स्ट फेज या फर्स्ट कॉइल ये है जिसका हमने नाम दिया है ए, ए डैश, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, दिस इज फेज ए। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अनदर फेज दैट इज बी फेज, फेज बी, let us say this is b dash, and the third phase is c phase, we have phase c, it is c, it is c dash। now agar aap individual phase pe load ko connect karo to abhi aapko kitne terminal dikhai de rahe hain, this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 एंड नंबर 6, वी हैव टोटल 6 टर्मिनल्स, तीन फेजेस, तीन वाइंडिंग से हर एक वाइंडिंग पे दो टर्मिनल, तो टोटल हमारे पास 6 टर्मिनल होते हैं। अगर आप हर एक पे लोड कनेक्ट करते हैं तो वो लोड आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होगा, ये हमने तीनों फेजेस पे सेपरेटली लोड को कनेक्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि अगर ए फेज की हम बात कर रहे हैं तो ए फेज में आपका एक करंट फ्लो करेगा यहाँ से आई ए, जो सर्कुलेट करेगा इस डायरेक्शन में, और जो वोल्टेज आपके पास होगा दैट विल बी ई ए। Similarly, one voltage here will be EB, the current will be IB, will flow in this circuit, and the third voltage is EC, the current will flow IC, circulate in this winding. All the three voltages we have, तीनों एक दूसरे से 120 degree से apart हैं. Similarly, जो current यहाँ पर produce हो रहा है वो भी सब एक दूसरे से 120 degree से apart हैं. Remember this thing, current 120 degree से apart हैं. But what is the relation between EA and IA, it purely depends upon this load. क्योंकि as you know, resistive, inductive और capacitive तीन type के load होते हैं और उन तीनों के ऊपर अलग अलग depend करता है कि what is the phase angle between the voltage and current. ठीक है, जैसे for resistive there is no phase difference, both are in the same phase. For inductive the phase angle varies in between greater than 0 less than 90. For RC again the angle can vary in between more than 0 and less than 90 degree. One will be in case of lagging, one will be the case of leading, right? तो आपको clearly दिखाई दे रहा है कि अगर हमने हर एक phase को individually load के साथ connect किया तो आपको total 6 conductors की जरूरत है, हर एक phase के लिए 2 conductors आपको चाहिए। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा arrangement और ऐसा system हो सकता है जहां पर हम number of conductors को reduce कर सकें? राइट, तो वहां पर हम बात करते हैं इंटरकनेक्शन की। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन इन थ्री फेज, राइट, जिसमें हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम दिखाई देते हैं, जिसमें पहला कनेक्शन का नाम है स्टार कनेक्शन एंड दूसरे कनेक्शन का नाम है डेल्टा कनेक्शन। ये दो टाइप के बेसिकली कनेक्शन होते हैं। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन में हम तीनों वाइंडिंग्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक स्टार पॉइंट बन जाता है, जैसे लाइक दिस। ये देखिए, हमने तीनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट कनेक्ट किया है और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली द स्टार पॉइंट, राइट। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ध्यान रखिएगा इनका जो ऑर्डर है बिल्कुल उसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में हम फेज सीक्वेंस को लेते हैं, यानी कि अगर आप एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हो तो ए यहाँ पर होगा, बी उसके पीछे होगा, सी उससे भी पीछे होगा। अगर आप ए यहां पर लिखते हो तो बी शुड बी हियर, सी शुड बी हियर, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे। अब आप यहां पर इन तीनों टर्मिनल्स को अगर बाहर निकालते हैं तो दिस विल बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और साथ ही साथ ये जो स्टार पॉइंट है, दिस स्टार पॉइंट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट एन, ठीक है, स्टार पॉइंट और न्यूट्रल, इसी को हम स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट हम कहते हैं। तो ये कहलाता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन में हम तीनों वाइंडिंग्स के या तीनों फेजेस के एक कॉमन टर्मिनल को
जोड़ देते हैं एक सिंगल पॉइंट से। जैसे अगर आप स्टार्ट और फिनिश पॉइंट्स की बात करें तो ए बी एंड सी स्टार्ट पॉइंट है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश फिनिश पॉइंट है। तो हमने क्या किया, तीनों वाइंडिंग के फिनिश पॉइंट्स को यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिमिलरली दिस कैन बी कॉल्ड ए डैश, दिस कैन बी कॉल्ड बी डैश, दिस कैन बी कॉल्ड सी डैश। हमने ए डैश बी डैश सी डैश को तीनों को एक सिंगल पॉइंट से जोड़ के स्टार पॉइंट क्रिएट किया, जिससे हमको मिल जाता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो स्टार पॉइंट है उससे अगर एक टर्मिनल को आप बाहर निकालते हो तो दिस टर्मिनल इज बेसिकली कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड थ्री फेज फोर वायर कनेक्शन, क्योंकि ये थ्री फेज है, साथ ही साथ चार वायर आपको यहाँ मिलते हैं, तीन फेज है, एक न्यूट्रल है, तो इट इज कॉल्ड फोर वायर सिस्टम। If you don't have this neutral point, basically star connection में neutral point हमेशा होगा, लेकिन it depends कि ये neutral point बाहर निकाला गया है कि नहीं, उस पर wire connect करके बाहर निकाला गया है कि नहीं। अगर निकाला है तो it is called three phase four wire system, और अगर नहीं निकाला है तो that will be called a three phase three wire system। तो दो type के system यहाँ से बनाए जा सकते हैं star connection से, one is three phase four wire, another one is three phase three wire। अब इसमें आप आसानी से लोड को कनेक्ट कर सकते हो। आप देखते हो कि ए फेस पे अगर आपको लोड लगाना है तो ए और एन के बीच में आप कनेक्ट कर लीजिए, बी पे आपको लोड लगाना है तो बी और एन के बीच में कनेक्ट कर लीजिए, और सी और एन के बीच में लगाना है तो यू कैन कनेक्ट इट इन बिटवीन सी एंड एन, राइट। तो आपको तीन कंडक्टर्स की यहां पर सिर्फ जरूरत पड़ रही है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं डेल्टा के ऊपर। हमारा जो दूसरा पोर्शन टाइप का इंटरकनेक्शन है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन में क्या हो रहा है, डेल्टा कनेक्शन में जो बेसिक कनेक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मैं पहले बना देता हूं, दिस इज कॉइल नंबर वन, दिस इज कॉइल नंबर टू एंड दिस इज कॉइल नंबर थ्री। ठीक है, इसमें हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से आप देखिए, ए पॉइंट यहाँ है तो ए डैश यहाँ होगा, बी पॉइंट यहाँ है तो बी डैश यही होगा, सी पॉइंट यहाँ है तो सी डैश यहाँ होगा। यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिसिमिलर एंड्स आर जॉइंट टुगेदर। हमने स्टार्ट पॉइंट को फिनिश पॉइंट से कनेक्ट किया है, एक पर्टिकुलर कॉइल की स्टार्ट पॉइंट को दूसरी कॉइल के फिनिश पॉइंट से अगर आप जोड़ते हो तो आपको डेल्टा मिलता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर आप तीनों फेजेस के जो कंडक्टर्स हैं उनको आप बाहर ले लीजिए, ये आपके तीनों कंडक्टर्स बाहर आ गए, दिस इज योर ए बी एंड सी। ठीक है, यू हैव ए वोल्टेज हियर दैट इज ई ए, यू हैव अनदर वोल्टेज हियर दैट इज वी बी एंड यू हैव थर्ड वोल्टेज हियर ई सी। ये तीन वोल्टेज आपके पास हो जाते हैं, राइट। डेल्टा कनेक्शन के केस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलता जहां से हम न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर सके। दैट इज व्हाई वी कैन ओनली ऑब्टेन थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इन केस ऑफ डेल्टा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू अचीव ए थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इन केस ऑफ स्टार, जैसा कि स्टार में हो रहा था। डेल्टा में हम फोर वायर सिस्टम नहीं कर सकते, सिर्फ थ्री वायर सिस्टम ही ऑब्टेन किया जा सकता है, राइट। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से इनका अरेंजमेंट देखेंगे तीनों कॉइल्स का, तो ये तीनों की तीनों कॉइल्स आपस में एक दूसरे से अगेन 120 डिग्री अपार्ट ही हैं। जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ प्लॉट करिए, दिस इज वन, सेकंड को यहाँ प्लॉट करिए दिस इज टू, थर्ड को यहाँ प्लॉट करिए दिस इज थर्ड। तो आप ध्यान से देखिए कि तीनों के बीच में 120 डिग्री का ही डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, राइट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि थ्री फेज के केस में वी मस्ट हैव 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। सो स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों मिला के थ्री फेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा कर देते हैं। और एडवांटेज हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो इंडिविजुअल फेज को कनेक्ट करके मिल रहे थे वहां से कम हो गए हैं दोनों ही केस में, स्टार के केस में भी और डेल्टा के केस में भी, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अभी इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार अगर क्विकली उनको देखें तो हमने सबसे पहले फेज सीक्वेंस को देखा। फेज सीक्वेंस क्या होता है उसको हमने देखा कि हमारे पास दो ही टाइप के फेज सीक्वेंस हो सकते हैं।
उसके बाद डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया कि डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन क्या होता है और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। हमने लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेजेस का जो ऑर्डर है वो देखा कि किस ऑर्डर में लाइन वोल्टेजेस फेस वोल्टेजेस होते हैं, और पाया कि अगर हमारा फेस सिक्वेंस आर बाई बी है तो लाइन वोल्टेजेस का ऑर्डर यही होना चाहिए। देन फाइनली वेवफॉर्म्स के थ्रू हमने देखा और ये कंक्लूड किया कि फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों के बीच में 30 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है, जिसमें लाइन वोल्टेज 30 डिग्री से लीड करती है। एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेस सिस्टम, वेयर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दो से हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार और डेल्टा, ये जो दो टाइप के कनेक्शंस हैं, इन दोनों टाइप के कनेक्शंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो डेरिवेशंस हमें यहाँ पर करना है, रिलेशंस कैलकुलेट करने हैं वोल्टेजेस और करंट्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो टिल देन आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। राइट, so thank you so for watching this video. Thank you.